हेलो गाइस, मैं हूँ उत्कर्ष, लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। के पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कैसे आप सभी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो है अपने बाइक की क्लीनिंग और कलर मेंटेनेंस पे। तो चलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपनी बाइक स्कूटर के आप कलर को एकदम अच्छी तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, और जिनका भी कलर हल्का डल हो गया है वो अपनी ओरिजिनल कलर को वापस बैक कैसे ला सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने अपने बाइक को धुल के रखा हुआ है। ये है मेरा धुला हुआ बाइक, आप देख सकते हैं। थोड़ा देर पहले ही मैंने धुला इसे। अब हम इसे टचअप के लिए ले चलेंगे, दिखाएंगे कैसे इसके करेंगे हम कलर को मेंटेन। सो गाइस, मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। बड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कैसे करना है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही चीप प्रोसेस है और आप इसका रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे सच में। तो जैसा कि ये आप देख सकती, ये है डिस्टिल वाटर। पहले ये दिखाता हूँ आपको, ये है रॉबिन। आप रॉबिन किसी भी आपको मोटरसाइकिल या फिर कार के शॉप में मिल जाएगा, 50-100 रुपये का आएगा रॉबिन। रॉबिन एकदम ज़रा सा निकालिएगा, उसमें डिस्टिल वाटर को मिला दीजिएगा, हल्का सा गाढ़ा ही रहने दीजिएगा थोड़ा। और इसे हम अप्लाई करेंगे अपने वॉश हुए हुए गाड़ी को, सिर्फ बॉडी में अप्लाई करना है इस रॉबिन को। ये है 3M का डैशबोर्ड पॉलिश, मैंने निकाल के रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड पॉलिश है। तो 3-in-1 पॉलिश है ये। तो चलिए, ये है मेरी बाइक जो अभी धुली हुई है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा अभी। चलिए देखता हूँ। इस रॉबिन को लेना है और पूरे बाइक पे हल्का हल्का अप्लाई कर देना है, सिर्फ बॉडी पे कीजिएगा, डैशबोर्ड पे नहीं, नहीं तो इसका दाग नहीं जाएगा। पूरे गाड़ी के बॉडी पे इसे अप्लाई कर देना है। पूरे बॉडी पे इस रॉबिन को अप्लाई कर चुका हूँ, गाड़ी के बॉडी फाइबर या मेटल उस पर अप्लाई कर चुका हूँ इस रॉबिन को। अब एक क्लॉथ लूँगा और इसे बहुत ही अच्छे से रगड़ना है। आप ये देख सकते हैं, मैंने सारे पॉलिश को मिला लिया है, जिस जिस बॉडी में मैंने पॉलिश किया था सभी को मैंने मिला लिया है। अब करेंगे हम इसे एक फ्रेश कपड़े से क्लीन, देखते हैं कैसा दिख रहा है गाड़ी। मैं कर लिया हूँ पॉलिश अपने सारे गाड़ी के बॉडी पे। अब करने जा रहा हूँ डैशबोर्ड पॉलिश, और फिर मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा शाइन कैसी आई है। तो देखना चाहोगे आप कैसी लग रही है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
बॉडी की शाइन देखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने एक डिस्टिल वाटर 3-in-1 पॉलिश और एक रॉबिन के फॉर्मूले की मदद से गाड़ी में शाइन आया और बहुत ही अच्छा आया। मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं, और किसी भी डल, जैसे जिसका कलर डल हो चुका है सनलाइट में, तो उसमें भी वापस से शाइन आ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ऐसे तरीके की वीडियो लेके आता रहूँगा हमेशा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलता हूँ, तो जय हिंद, जय भारत, राइड सेफ, बाय बाय, टेक केयर।